नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूँ राधा बकुत्रा। बात करेंगे यहाँ होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 के चुनाव परिणामों पर अगर हम एक बार नजर डालें तो 10,000 से कम वोटों के अंतर वाली ऐसी करीब 90 सीटें हैं जहाँ बहुजन समाजवादी पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवारों ने बीजेपी कांग्रेस का गणित बिगाड़ दिया था। बीएसपी और जीजीपी उम्मीदवार का बड़ा वोट बैंक लेकर भले ही तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन इसका सीधा असर बीजेपी और कांग्रेस की जीत पर पड़ा था। इतना ही नहीं, कुछ सीटों पर बीएसपी और जेजेपी के उम्मीदवारों का पावर इतना था कि ये सेकंड पोजीशन पर रहे। इसके साथ ही कुछ सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों का असर भी देखने को मिला था। इक्का दुक्का सीटों पर एसपी और आपका बड़ा वोट बैंक हासिल जो है वहां पर उस समय चुनाव में किया गया था। यहाँ देखने वाली बात यह है कि बीएसपी का असर ग्वालियर चंबर से लेकर विंध्य तक बीएसपी का असर जो है वो दिखाई देता है। बुंदेलखंड की कुछ सीटों पर भी बीएसपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। ग्वालियर बेल्ट की अगर बात करें तो ग्वालियर बेल्ट पर सबलगढ़, अटेर, लहरा, ग्वालियर ग्रामीण, पोहरी, पिछोर और कोलारस, चंदेरी, मुंगावाली ऐसी सीटें जहां पर बीएसपी ने तीसरे और दूसरे नंबर पर जो है अंतर से जीत और हार की जो है वो वोट हासिल किए थे। और ये जो डिस्टेंस था या ये जो गणित था वो इतना भी कम या ज़्यादा नहीं था। इसके साथ ही बुंदेलखंड के तिकमगढ़, चंदला, राजनगर, छतरपुर, विद्य के अमरपाटन और गुन्नौर की बात करें तो महूगंज, देवातला, चुरहट सीट पर बीएसपी ने अपना दम दिखाया था। ये साल 2018 की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही सीहोर, सांवेर और भोपाल दक्षिण पर भी इसका प्रभाव जो है वो देखने को मिला था साल 2018 के विधानसभा चुनाव में। इन सीटों पर जेजेपी का असर, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात अगर हम करें तो विद्य और महाकौशल में इस पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन कर बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों को परेशानी में डाल दिया था। जेजेपी ने मेहर, देवरी, जेतपुर, कोतमा, बादवगढ़, बरघाट, केवलारी, टिमरनी, खातेगांव, मादंता में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। जेजेपी यहां पर तीसरे नंबर पर रही थी। अब अगर हम एसपी और आप की बात करें तो विद्य के गुड़ और सिंगरौली में समाजवादी पार्टी और आपका अच्छा प्रभाव देखने को मिला था। गुड़ में समाजवादी पार्टी सेकंड पोजीशन पर रही थी। वहीं सिंगरौली की अगर हम बात करें तो सिंगरौली में आपकी उम्मीदवारी रानी अग्रवाल ने जो है तीसरे पायदान पर अपना वोट बैंक जो है हासिल किया था। रानी को कांग्रेस लगभग बराबर ही वोट मिले थे। निर्दलीय उम्मीदवारों की बात करें तो निर्दलीय उम्मीदवारों की अगर हम बात करें तो ग्वालियर दक्षिण में समीक्षा गुप्ता ने 30,000 वोट हासिल किए थे जो जीत के अंतर से बहुत ज़्यादा थे। कांग्रेस और बीजेपी में हार जीत का फैसला मात्र 24 वोटों से हुआ था। ऐसे में गुप्ता ने 30,000 वोट प्राप्त किए थे। ऐसे ही नागौद में निर्दलीय ने 25,000, पथरिया में 27,000, जबेरा में 21,000 तो वहीं अम्बाहा में 19,000 वोटों जो हैं वो प्राप्त किए गए थे। और ये वोट सभी वही हैं जिस पर बीजेपी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार 2018 के चुनाव में जब वो उतरे थे तो उस समय इन सभी प्रत्याशियों ने बीजेपी और कांग्रेस का जो समीकरण है उसे बिगाड़ने की कोशिश की थी। जो हार जीत का अंतर था वो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब देखना ये होगा कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव में क्या ऐसा कोई माहौल फिर से एक बार देखने को मिलता है जहाँ पर कोई निर्दलीय उम्मीदवार या फिर कोई ऐसी पार्टी का उम्मीदवार जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के लिए चुनौती बनकर सामने खड़ा होता है। अब जो है तस्वीरें वो तो 3 दिसंबर को ही साफ होगी, लेकिन एमपी चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।